अबे डॉक्टर साहब, वाह शर्मा जी, हम थोड़े बेवफा क्या हुए? आप तो बच्चलन हो गए। घबराइए मत, हम यहाँ सिर्फ आपकी दुल्हन देखने आए हैं। कौन है वो जिसने 4 हफ्तों में वो कर दिखाया जो हम 4 साल में ना कर सके? मेरी तरह लगती है। रिबॉक नहीं तो रिबुक ही सही। शर्मा जी, ये ढूंढी आपने मेरी जगह, ये चोकर, ये गवार। यू डिजर्व बेटर देन दिस, आई डिजर्व बेटर देन दिस। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। ए छोरी, ओस में आ जा, तमीज से बात कर। मेरे पे आसरी है, अरे मैं क्या लियाकत से? खुद का घर तो तेरे से संभला कोना। बचपन से जवानी तक बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, और उसके बाद शर्मा जी ने अपने पीछे का कद अंडरवेयर तक तल लिया कोना। मेरे पे असरी से, इनके क्रेडिट कार्ड पे तो दुनिया घूम शराब पी और फैशन कर। मैं कहाते गुबार हो गई, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एथलीट कोटे पे अपने दम पे एडमिशन लिया। मैं स्टेट लेवल के एथलीट हूँ, मेरे को गुबार कह रही है। मैं थारी जिसी ओवर स्मार्ट ना सू, पर मैं अपने घर के लिए रोटी भी कमा सकूँ, अपने बालकों को भी पाल सकूँ। तू ना रोटी कमा सके, बालक तो थारे बस के है ही कोना। आप लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? आप इसे कुछ नहीं कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। रिश्ते तब बनते जब रिश्तों को संभाल के रखा जाता है। यू शट अप, यू कनू। ओमी भाई साहब, शादी का डेट निकल रही है। क्यों भैया, कफन भी सिलते हो? अल्लाह तौबा, क्या बात करते हो। नहीं सिलते नहीं हो, 2 रेडीमेड ले आओ, एक हमाल लिए किनके लिए। यार चुप हो जा यार पप्पी। आप सही रहे डॉक्टर साहब, फिर से सूट बनवा रहे हो। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहे तब से। अबे अंधे हो क्या, अपनी बीवी दिखाई नहीं देती? हालत तो देखो उसकी, पगला गई है वो। इस दिन के लिए छाती तान के खड़े हो गए थे हमारे सामने की ये हाल कर दो। इससे अच्छा तो हम शादी करवा लेते उससे यार, प्यार तो करते ही थे, साले को संभाल भी लेते। और ये लड़की क्या नाम है इसका, दत्तो? तुमको लग रहा है कि उसका चेहरा तन्नू से मिलता है तो कुछ गलत नहीं है? अरे पाप है ये, अरे पाप है भैया, पाप है, घनघोर पाप है, अरे पापी है ये। अबे इनको लग रहा है कि वो एक सीधी साधी इनके हिसाब की लड़की है, जिस चेहरे से प्यार हुआ था चेहरा भी वही है, तो बस लपक लो, पुरानी वाली की तो एक्सपायरी डेट हो गई है। ऐसी बात नहीं है राजा। अरे ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा था उसे डिवोर्स लेटर भेजने के लिए। अबे वो एक उल्लू का पट्ठा बावला लौंडा है कानपुर का, जिसने ये सारा रायता फैलाया है। अच्छा, माफ कर दो यार इन दोनों को कुसुम जी, गलती हो गई मनु जी से, और तनु ने तो आजीवन कुछ सही नहीं किया है, भारी बेवकूफ हैं दोनों। पर आप तो समझदार हो, पूरे घर को इन दोनों की हालत दिखाई पड़ रही है, कितने दुखी हैं आप, बिजी चल रही हैं, शायद आपने नोटिस नहीं किया। मियां बीवी के झगड़े तो होते ही रहते हैं, कोई शादी तो जी। वे मियां बीवी थे, वे मियां बीवी है नी, और मन ने खेली नोटिस करया, फावड़ी हो गया के? तने नोटिस करी मारी और शर्मा जी की लव स्टोरी? राजा आई एम रियली सॉरी यार, तुम वापस इन सब में इन्वॉल्व हो गए। देख अगर मुझे थोड़ा भी पता होता ना कि दत्तो और तुम्हारा रिश्ता। वो सब छोड़ो डॉक्टर साहब, और कोई और बात बताओ। हो चुके हैं मेहरान की फिर से हमारा कटा है, सीधा सीधा बोलो बीवी का क्या करना है। राजा तू ही बताना क्या कर सकते हैं, इतना सारा इंतजाम तो हो चुका है यार, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? जाके मना करो शादी के लिए और चलो तनु के साथ। और तुम तो निकलो, चलो चलो निकलो, कोई सूट साथ नहीं बने। राजा देख भाई, मेरे में उतने सारे गुण नहीं है, बस यही है कि जब मैं कुछ कह देता हूँ तो निभा लेता हूँ, उस दिन तनु के साथ भी और आज तत्व के साथ। देख अगर ये भी नहीं कर पाया ना मैं, तो मैं 80 किलो का वजन बन के रह जाऊंगा,
और कुछ नहीं। अभी तुम क्या आदमी हो जब इसी वजन के साथ तनु के संग फेरे लिए थे तब? एनआरयू सलमान खान जो कमिटमेंट इशू चल रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं शर्मा जी? ये आखिरी फेरा से, इसके बाद शादी कंफर्म हो जाएगी। नहीं हो पा रहा। मैं एथलीट सू शर्मा जी, मैं या तो फर्स्ट आऊंसू या हार जाऊंसू। मैंने कदे कंसलेशन प्राइज ना लिया से। किस खातर कर रहे हैं से यो ड्रामा? मारी खातर? बा अनाउंसमेंट सुनी से अपने भाई जाज में कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी पेटी बांध लें। आप अपने और अपनी लगाई को संभालो, मारी चिंता ना करो। मैंने नहीं करनी से इसी शादी। देखो तब की शक्ल है, कोई खुश नहीं से इस शादी से, मैं भी नहीं। थैंक यू। सारा का सारा बिल तने भिजवा दूंगी, वो दे देना बस। थैंक यू।